नमस्कार प्रिय वीर साथियों, मैं रतन तापड़िया CSE SBB हेड ऑफिस से। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और जो हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं आप इनको सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे चैनल को और देख भी रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कस्टमर को भी अवेयर कर रहे होंगे लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। सो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, अगेन हम एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं हमारे DSP पोर्टल पे विद द हेल्प ऑफ LIC। और ये जो प्रोडक्ट है ये LIC ने हमारे साथ ही लॉन्च किया है। तो प्रोडक्ट का जो नाम है वो है बीमा रत्ना, LIC बीमा रत्ना। प्रोडक्ट कोड है 864। जो आप लोगों के पास में जो क्वेरीज आती हैं या जो कस्टमर के जो फीडबैक्स हैं उसके बेसिस पे ही ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है। तो जो जनरली हमारे पास जो फीडबैक आते हैं आप लोगों के सहयोग से, वो आता है कि कस्टमर ज़्यादा समय के लिए प्रीमियम नहीं देना चाहता है, कस्टमर को हायर रिटर्न वाली पॉलिसीज चाहिए, कस्टमर को थोड़ा सा लिक्विडिटी भी चाहिए क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है चूंकि तो टेन्योर थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करके LIC ने ये प्रोडक्ट बनाया, LIC बीमा रत्ना। तो जैसा कि रतन है अपने आप में ही, तो ये प्रोडक्ट भी LIC के प्रोडक्ट्स और जितने मार्केट में बाकी कंपनियां हैं उसमें अपना जो दर्जा है वो एक रतन का ही रखेगा जहाँ तक हमारा मानना है, क्योंकि इस प्रोडक्ट में वो सारी चीजें हैं जो कस्टमर के लिए ही बना है और कस्टमर के बेनिफिट्स के लिए ही तैयार किया गया है। तो सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट को समझेंगे कि इसका एंट्री एज या कौन सा इंसान कब इसको ले सकता है, मैच्योरिटी एज कितनी होगी, इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, क्या ऐसा इसमें खूबी है जो ये अपने आप को अलग दर्जे का प्रोडक्ट बन के आया है या अपने मार्केट में अपने आप को एक अलग रेपो क्रिएट करेगा, अलग स्थान बनाएगा, लाइक इन सब चीज़ों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पॉलिसी को परचेज करने के लिए एक क्राइटेरिया होता है जिसको हम एंट्री एज बोलते हैं। तो इस पॉलिसी में जो एंट्री एज है वो मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम इसमें 45 और 50 दोनों एंट्री एज है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो अगर पॉलिसी का जो टेन्योर है अगर 15 साल का है तो कस्टमर 50 साल तक वाला कस्टमर ये पॉलिसी परचेज कर सकता है, बट अगर कस्टमर 20 साल के लिए पॉलिसी लेना चाहता है तो उसकी जो मैक्सिमम एंट्री एज है वो 45 होनी चाहिए क्योंकि इसका जो मैच्योरिटी एज है पॉलिसी का वो 65 ईयर्स है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 65 माइनस पॉलिसी टर्म, चाहे वो 15 साल है या 20 साल है, तो उस एज का इंसान इस पॉलिसी में अपने आप को इनरोल करा सकता है। तो ये तो हो गया एंट्री एज और मैच्योरिटी एज। अब मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा? तो दोस्तों इसमें मैच्योरिटी पे आपको सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशंस जो होगा ये आपका मैच्योरिटी बेनिफिट होगा। इसका जो मनी बैक है वो मनी बैक ये है कि इसमें आपको 2 साल मनी बैक आएगा। अगर 15 साल की पॉलिसी है तो आपको 13 साल पे और 14 साल पे मनी बैक आएगा 25% ऑफ द सम एश्योर। अगर 20 साल की पॉलिसी है तो 18 साल और 19 साल पे आपको मैच्योरिटी अपना मनी बैक आएगा, बाकी मैच्योरिटी बेनिफिट रहेगा। जो गारंटीड एडिशंस है जो अपने आप में, और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इस प्रोडक्ट का, जैसा मैंने बताया कि मार्केट में अलग रेपो क्रिएट करेगा अपनी ये, तो वो ये है कि पहले 3 फेज में आपको गारंटीड एडिशंस आएगा। जो इसका पहला फेज है वो है 1 से लेके 5 साल तक अगर आपका पॉलिसी टेन्योर होगा, जो फर्स्ट 5 ईयर्स है इसमें आपको 50 रुपीज पर 1000 गारंटीड एडिशन मिलेगा। नेक्स्ट जो इसका गारंटीड एडिशन रहेगा वो 6 से 10 ईयर तक आपको 55 रुपीज पर 1000 गारंटीड एडिशन रहेगा। एंड लास्ट 11 से लेके 25 साल तक का पॉलिसी टेन्योर पे 60 रुपीज पर 1000 गारंटीड एडिशंस रहेगा। ये जो गारंटीड एडिशंस है ये वन ऑफ द हाईएस्ट इन द मार्केट है। इवन LIC के जो बाकी जितने प्रोडक्ट है उसमें भी 60 रुपए गारंटीड एडिशंस नहीं है इतने लंबे टेन्योर के लिए। सो यही इस प्रोडक्ट की खूबी है कि इसमें आपको जो फीडबैक्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कस्टमर को जो पॉलिसी जो प्रीमियम जमा करना है वो जितना पॉलिसी टेन्योर है उससे 4 साल कम जमा करना है, यानी कि 15 साल का पॉलिसी टेन्योर है तो 11 साल ही उसको प्रीमियम जमा करना है, लेकिन उसका जो कवरेज है वो 15 साल तक कंटिन्यू रहेगा, उसका गारंटीड एडिशन भी 15 साल तक एड ऑन होते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
कस्टमर ने जो कहता है कि मुझे कम टाइम के लिए जमा करना है, तो उसका सॉल्यूशन है कि आप 15 साल का टेन्योर है तो 11 साल जमा करिए, 20 साल का टेन्योर है तो 16 साल आपको जमा करना है। सेकंड आता है कि कस्टमर की डिजायर थी कि मुझे पैसा कुछ बीच में भी मिल जाए ताकि मैं अपना कोई भी जो मेरा फाइनेंशियल गोल है या इन बिटवीन दैट ईयर्स अगर कुछ पैसा उसको एज ए लिक्विडिटी फॉर्म में चाहिए तो मनी बैक दे दिया LIC ने आपको, और वो भी एक हैंडसम अमाउंट की 25% ऑफ द सम एश्योर्ड। ठीक है, उसके बाद उसका ये था कि मुझे पॉलिसी में हायर रिटर्न और गारंटीड रिटर्न चाहिए, तो इस पॉलिसी में वो भी हो गया कि जो आपका गारंटीड एडिशन वो तीन फेज में आ गया, 50 रुपीज, 55 रुपीज और 60 रुपीज पर 1000, तो यहाँ पे रिटर्न भी आपका पीरियडिकली बढ़ता गया। रेस्ट आ गया आपका जो पॉलिसी है वो गारंटीड होना चाहिए, यानी कि डे वन पे कस्टमर को पता है कि आज अगर उसने पॉलिसी ली बीमा रखना तो मैच्योरिटी पे उसको कितना मिलेगा। तो ये हमारे लिए और आपके लिए एक सबसे बड़ी ईज है कि इसमें हमें कोई कस्टमर को गुमराह करने की जरूरत है ही नहीं, जो है सारा का सारा पॉलिसी बॉन्ड पे लिखा आएगा, तो इससे बड़ा प्रूफ और कस्टमर को क्या चाहिए। तो कस्टमर के लिए भी पीस ऑफ मेंटल उसके शांति है कि चलो मेरे को अगर मैंने ये पॉलिसी ली है तो इसमें मेरे जो बेनिफिट्स है सारे के सारे गारंटीड है और ऐसे ऐसे मुझे ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों इस पॉलिसी में वो सब चीजें आ गई है जो कस्टमर को चाहिए और कस्टमर के बेनिफिट के लिए ही पॉलिसी बनी है। अब मैं इस पॉलिसी को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि हमने एक एग्जांपल लिया है कि हमारे कस्टमर है मिस्टर सूरज जी, इनकी एज है 23 साल, इन्होंने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेने का सोचा कि मैं 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लूंगा। तो दोस्तों इसकी अगेन एक खासियत है प्रोडक्ट की कि जो सम एश्योर्ड है इसमें भी वो दो तरीके का, मैच्योरिटी पे सम एश्योर्ड अलग होगा और इन केस ऑफ डेथ जो सम एश्योर्ड है वो अलग होगा। तो डेथ के केस में 125% इनका गारंटीड सम एश्योर्ड रहेगा, तो यानी कि 10 लाख का सम एश्योर्ड इन्होंने बेस सम एश्योर्ड लिया तो डेथ का जो सम एश्योर्ड बनेगा वो बनेगा 12,50,000। पॉलिसी टेन्योर इन्होंने लिया है 15 साल, तो जाहिर सी बात है 15 साल का टेन्योर है तो इनको प्रीमियम जो जमा करना पड़ेगा वो 11 साल जमा करना पड़ेगा, और 15 साल का इनका पॉलिसी टेन्योर हो गया, 10 लाख का इनका सम एश्योर्ड हो गया, इनकी एज है 23 साल, तो 38वें साल पे इनकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। प्लस अब जो मैच्योरिटी पे जो और लमसम में जो अमाउंट मिलना है इनको वो क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 13th ईयर पे और 14th ईयर पे 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो 25% हो गया 2,50,000, तो 2,50,000 इनको 13th ईयर पे मिलेगा, 14th ईयर पे इनको फिर से 2,50,000 मिलेगा। अब आती है मैच्योरिटी की बारी, तो मैच्योरिटी पे जो गारंटीड एडिशन है तो पहले 5 साल यानी कि 1 से लेके 5 साल तक 50 रुपीज पर 1000 है, तो 10 लाख का 50 रुपीज पर 1000 के हिसाब से 50,000 इनका गारंटीड एडिशन हुआ, तो वो 5 साल तक इनका 50,000 रुपए के हिसाब से पॉलिसी में एड ऑन होता रहेगा। 6th ईयर पे ये गारंटीड एडिशन 55,000 रुपीज हो जाएगा, सो 55,000 रुपीज 6th ईयर से लेकर 10th ईयर तक इन्वॉल्व होगा। उसके बाद ये जो गारंटीड एडिशन है वो हो जाएगा बढ़ के 60 रुपीज पर 1000, तो पॉलिसी टेन्योर इनका 15 साल है तो 11 से लेके 15 साल पर इनका जो गारंटीड एडिशन है वो 60 रुपीज पर 1000 के हिसाब से एड ऑन होगा। तो ये 15 साल का जो गारंटीड एडिशन है कुमुलेटिवली बनेगा 8,25,000, और अब इनका जो सम एश्योर्ड बचा 50% सम एश्योर्ड मैच्योरिटी के लिए, तो 5 लाख रुपए इनका सम एश्योर्ड बच गया, वो 5 लाख रुपए प्लस गारंटीड एडिशन ये हो गए 13,25,000 रुपए मैच्योरिटी बेनिफिट। 5 लाख रुपए इन्होंने ऑलरेडी एज ए मनी बैक ले लिया 13th और 14th ईयर पे, तो टोटल जो इसका मैच्योरिटी बनेगा वो बनेगा 18,25,000। तो दोस्तों ये देखिए कि इनको डे वन पे पता है कि जब ये 38वें साल के होंगे और 36-37 ईयर के बीच में इनको 5 लाख रुपए मनी बैक आ जाएगा और 38th ईयर पे इनको 13,25,000 मिलेगा। तो दोस्तों ये तो होगी इनकी मैच्योरिटी। अब जाहिर सी बात है कि प्लान लिया है तो प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा, तो इनका जो टोटल प्रीमियम बनता है पूरे साल का वो बनता है 1,08,819 रुपए। सो 11 साल तक अगर ये पे करते हैं तो इनका टोटल प्रीमियम जो ये जमा करेंगे वो करेंगे 11,97,000 इनका एनुअल जो टोटल प्रीमियम जाएगा वो इस पॉलिसी में, और जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 18,25,000। तो गारंटीड पॉलिसी हो गई, इतना हैंडसम इस पे रिटर्न आ गया, और आपके पॉलिसी में जो आपका डेथ कवर है वो आपको वो भी उससे प्रोटेक्ट कर रहा है कि इन केस अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है पॉलिसी होल्डर के साथ में
तो उसके नॉमिनी को डेथ सम एश्योर्ड मिल जाएगा। सो दिस इज द पॉलिसी फीचर्स, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों यहाँ तक तो हो गया ये कस्टमर के। अब आप जाहिर सी बात है आप सेल करेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा। तो इसमें भी कमीशन दो तरीके से है कि अगर 15 साल का पॉलिसी टेन्योर है तो फर्स्ट ईयर आपको 20% कमीशन मिलेगा, उसके बाद 2 से लेके 5 साल तक आपको 7.5% कमीशन मिलेगा, और उसके बाद में 6th year से लेके till प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वहां पे आपको 5% थ्रू आउट पॉलिसी टेन्योर, तो प्रीमियम टेन्योर है वहां तक आपको 5% कमीशन मिलेगा। अगर ये पॉलिसी 20 साल की है या किसी कस्टमर को आपने 20 साल के लिए पॉलिसी सेल किया है तो इसमें जो फर्स्ट ईयर जो कमीशन मिलेगा वो आपको मिलेगा 25%, सेकंड से लेके 5 साल तक अगेन आपको 7.5% मिलेगा, और 6th year से लेके जो भी उसका लास्ट टेन्योर यानी कि 16th year बनेगा इस पॉलिसी में, अगर 20 साल का टेन्योर है तो 6 से लेके 16 साल तक इनको 5% आपको कमीशन आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये प्रोडक्ट बढ़िया लगा होगा, कमीशन स्ट्रक्चर बढ़िया लगा होगा। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप इसको मैक्सिमम अपने कस्टमर जो आपके नियर एंड डियर है, रिलेटिव है, फ्रेंड सर्कल है, उसमें फ्लोट करिए और मैक्सिमम पॉलिसीज करिए, सो दैट कि आपकी इनकम बढ़े। आपकी इनकम बढ़ेगी तो हमें इससे ज़्यादा खुशी कुछ हो नहीं सकती। धन्यवाद।